मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान सीएम मोहन यादव अपनी अलग अलग कार्यशैली को लेकर जाने जाते हैं। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम मोहन यादव ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक बड़े फैसले को पलट दिया, जिसको जानकर खुद सीएम शिवराज भी हैरान हैं। दरअसल जिस सीपीए को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में बंद कर दिया था, अब उसी सीपीए को वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया, जो बेहद चौंकाने वाला फैसला है। आपको बता दें कि भोपाल को राजधानी बनाए जाने के बाद भोपाल की सड़कों और पार्कों की देखरेख के लिए सीपीए यानी राजधानी परियोजना प्रशासन नाम से विभाग बनाया गया था। सड़कों पार्कों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों के रखरखाव का काम सीपीए के पास ही था। यहां बताना जरूरी है कि अगस्त 2021 में भोपाल में बदहाल सड़कों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी नाराजगी जताते हुए सीपीए को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अमल करते हुए अप्रैल 2022 को सीपीए भंग हुआ था, लेकिन अचानक वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तय किया कि सीपीए को फिर से शुरू किया जाए। इस बारे में सीएम मोहन यादव ने बीते शुक्रवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर सीपीए के लिए फंड की मांग भी की। दरअसल सीएम मोहन यादव शुक्रवार को दिल्ली में थे, जहां उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलने के बाद उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। सीएम मोहन यादव ने बताया कि भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन सड़कों पार्कों और भवनों के निर्माण विकास और रखरखाव के अलावा नजूल भूमि की सुरक्षा और विकास के कार्य करने वाली संस्था रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री से सीपीए को पुनर्जीवित करने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया, जिससे भविष्य में सीपीए दोबारा भोपाल शहर की विकास गतिविधियों को शुरू कर सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर अपने अपने फैसले को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं।